हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे ग्रेविटेशन चैप्टर के न्यूमेरिकल्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉयज ईच ऑफ मास 35 kg स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 meter फ्रॉम ईच अदर एंड जी इज इक्वल टू 6.67 × 10⁻¹⁻ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इस क्वेश्चन का मतलब क्या हो गया कि आपको फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन अट्रैक्शन निकालना है। आपके पास दो लड़के हैं, दोनों का मास, ये मान लीजिए m1 है, ये m2 है, और यहाँ पर आपको दिया हुआ है दोनों लड़कों का मास कितना है, 35 kg, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 1 meter। तो आपको फाइंड करना है f इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू 35 kg और डिस्टेंस d इज इक्वल टू 1 meter और g आपको दिया हुआ है ये। ठीक, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन अट्रैक्शन का फॉर्मूला आपको पता है, f इज इक्वल टू g m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। तो जी की वैल्यू यहाँ हम पुट कर देते हैं 6.67 × 10⁻¹⁻ और m1 आपका 35 इंटू m2 भी आपका कितना हो जाएगा, 35 अपॉन डी स्क्वायर। डी स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6.67 × 10⁻¹⁻ इंटू अपॉन 1। इनको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 8.17 × 10⁻¹⁸ न्यूटन। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन अट्रैक्शन कितना आ जाएगा आपके पास आंसर, 8.17 × 10⁻¹⁸ न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मास ऑफ ए बॉडी इज 20 kg, वॉट इज़ इट्स वेट ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज़ 9.8 m/s². आपके पास एक बॉडी है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास आपको 20 kg दिया हुआ है, m इज इक्वल टू 20 kg। आपको बताना है कि वेट क्या होगा अर्थ की सर्फेस पर, उस बॉडी का वेट क्या होगा, और आपको जी दिया हुआ है, जी इज इक्वल टू 9.8 m/s². तो वेट का फॉर्मूला होता है डब्ल्यू इज इक्वल टू एम इंटू जी। तो एम आपके पास दिया 20 इंटू और जी 9.8, तो यह हो गया आपके पास आंसर 196 न्यूटन। तो अर्थ की सरफेस पे उसी ऑब्जेक्ट का वेट होगा आपके पास 196 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मास ऑफ ए मैन ऑन अर्थ इज 70 kg, व्हाट विल बी द वेट एंड मास ऑफ ए मैन ऑन मून। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून इज 1/6 ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ। इसका मतलब क्या हुआ, एक मैन है जिसका मास अर्थ पर 70 kg है, तो हमें बताना है उसी मैन का, उसी आदमी का वेट और मास मून पर कितना होगा। और साथ में आपको ये दिया हुआ है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मून पर जितनी ग्रेविटी होती है वो अर्थ की ग्रेविटी का 1/6 है, और अर्थ की ग्रेविटी है, आपको ये गिवन है। ठीक, और अर्थ की ग्रेविटी हमको पता है 9.8 होता है और ये डिवाइडेड बाय 6, तो 9.8 को 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.63 m/s². इसका मतलब क्या हुआ कि मून के ऊपर ग्रेविटी है वो इतनी है। ठीक, तो अब हमें निकालना है वेट ऑफ मैन ऑन मून। तो WM क्या होता है, वेट क्या होता है, वेट का फॉर्मूला मास इंटू
ग्रेविटी। अब देखिए मास जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो हर जगह सेम रहता है, चाहे वो मून हो, चाहे अर्थ हो, या कोई भी और प्लैनेट हो, बस डिफर क्या करता है वेट। तो मास आपको दिया हुआ है 70 और जी आपको दिया है 1.63। आफ्टर सॉल्विंग दिस वी गेट 114.1 न्यूटन। ठीक, दिस इज वेट एंड मास ऑफ मैन ऑन मून रिमेन्स सेम, दैट इज एम इज इक्वल टू 70 kg।